अबे भाई लगता है ये कोई चोर है। अबे यार ये वो चोर तो नहीं जिन्होंने हमारी वैगन आर और हमारी वन टू फाइव चोरी की थी। अबे यार, अबे भाई लेके कहाँ जा रहे हैं? अबे भाई वो ले अंदर ले गया गाड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो क्या चला आप सबका? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस यार, कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि यार वो थोड़ा सा ना मसला आ रहा था सीधे की आवाज़ निकालने में, तो इस वजह से यार वीडियो नहीं आई। तो उसके लिए यार पहले माजरत, और इंशाल्लाह डेली अपलोडिंग करेंगे। यार आप लोग मुझे बताओ कि यार किस टाइम मुझे अपलोड करनी चाहिए वीडियो। मतलब यार आजकल बड़ा ही कन्फ्यूज़ हुआ पड़ा हूँ यार। दिन को करूँ, कभी मैं दिन को मेरी वीडियो आती है, कभी मेरी दोपहर को 2 बजे आती है, कभी मेरी वीडियो रात को आती है 8 बजे, या फिर शाम को 6 बजे आती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। आप लोग भी बताओ यार कितने बजे मुझे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो अभी जो है यार, मुझे अभी मेड आई थी और वो मुझे कह रही थी कि यार दही लेके आओ, दही। अब पता नहीं यार दही भले बनाने हैं, तो इस वजह से वो मुझे कह रही थी कि दही लेके आओ। तो मैं तो नहीं जा सकता, मैं जिम में गया था, जिम में नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पर गए हुए, शायद वो अपने कमरे में हो। और गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी तरह यूँ ही सपोर्ट करते रहो। और यार यहाँ पर तो है ही नहीं जिम, ही लगता है नीचे ही होगा। तो गाइज मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और उधर मैं लोग आप लोगों को सबको मतलब जवाब देता हूँ। अबे यार जिमी यहाँ पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है। रुको, क्या हुआ पापा? वो तुम कहाँ पे हो? यहाँ पे हूँ, पानी पी रहा था। अच्छा, वो मेट कह रही है कि जाके यार वो लेके आओ, दही लेके आओ। अबे यार पापा मैंने नहीं जाना अबे मान जाओ ना यार, क्या होता है यार पापा जी, प्लीज यार मैंने जाना, दिल नहीं कर रहा बाहर जाने का। यार। जाओ यार, मैं कह रहा हूँ ये पैसे लो, ये लो 60 रुपये का दिन ले आना, सही है। पापा जी फिर चाबी दे दो वो हाँ, ये लो, ये रिवो की चाबी ले लो। यार, लेक्सस दे दो। मैं तुम्हारे मान ही, ये पकड़ो लेक्सस दे दो। मुंह देखा है तुमने लेक्सस वाला? अच्छा अच्छा ला रहा हूँ ला रहा हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ। अच्छा ठीक है, ये लड़का अभी ना कहता लेक्सस दे दो। वाह चलो यार दही ले आते हैं यार। उनको भी अब भी याद आना था, अभी मैं बाहर से आया हूँ, अभी पहले बताया नहीं था, अभी याद आना था कि दही लेके आना, मैं दोबारा जाऊँगा बाहर। अबे यार ये दोनों क्या कर रहे हैं? अंकल पप्पू कहाँ पे हैं यार? अच्छा ये रहे, और से डॉगी के पास बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है? ठीक ठाक, आप सुनो ठीक हो? और मैं बिल्कुल फिट। हाँ भाई जिमी, किसे जा रहे हैं? वो मैं ना बस दही लेने जा रहा था, मैंने कहा चलो पूछ लेंगे। ओ मोती क्या हाल है ओए? नहीं दिया केड़ा इंसान है जो हाल पूछ रहे हैं? यार वैसे मैं प्यार कर रहा हूँ ना, मेरा डॉगी है। अच्छा, कर ले। शिदा भाई चलेंगे आप मेरे साथ इधर वो दही लेने के लिए? जा पीएम, मैं अम्बलैंड वास्ते तेरे नाल जाना है, हर जगह तेरे नाल ही जावा मैं। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ जल्दी कर, दफा हो। अबे यार कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता मेरी। यार आप लोग कमेंट्स में आके कहते हो यार शोरूम खोलो शोरूम खोलो। यार टेंशन नहीं लेनी, शोरूम खोलेंगे ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, हम लोग जल्दी खोलेंगे यार। शोरूम हमारा पूरा पूरा प्लान है, शोरूम खोलना हमने ठीक है। चलो यार अब चलते हैं दही लेने के लिए। चलो यार गाइस दही ले आते हैं। वैसे यार ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है, लेकिन लेक्सस फिर लेक्सस ही है, फिर आपको पता है ना वो फिर महंगी गाड़ी होती है ना। ये भी महंगी गाड़ी है, सस्ती गाड़ी नहीं है, लेकिन लेक्सस भाई है भी फिर बहुत महंगी, 6-7 करोड़ वाली गाड़ी है वो। उसके साथ तो फिर भाई आपका भी भाई का लेवल बढ़ता है, स्वैग लेवल बढ़ता है ठीक है। आप कुछ समझ रहे हो ना, वही मतलब लड़कियाँ आके ना फिर देखती हैं, कहती हैं यार ये मेरा आदमी है, फिर फंसती भी है, इसलिए मैं वो गाड़ी लेके जाता हूँ। वरना मुझे भी शौक नहीं है इसको चलाने का, बस ये लड़कियों के चक्करों में मैं चला रहा हूँ गाड़ी। यार आप लोग ये काम ना करना ठीक है, हाँ ये बहुत गलत काम है। अबे अबे यार एक तो रश बहुत है ना, लड़कियों वाले चक्करों में ना पड़ना ठीक है। और गाइस यार मैंने और शीदा भाई ने ना मिलकर ना वो गैंग वालों से ना अपनी गाड़ी छुड़वानी है, पता लगवा रहे हैं हम कि यार किसने हमारी गाड़ी चोरी की थी। हमारी एक वैगनार चोरी की थी, साथ में एक 125 चोरी किया था। अब वो जो है हमने आज छुड़वाना है, तो हमें पूरा शक है यार सैन एंड्रियास वाले होंगे जो चोरी करके गए हैं हमारी गाड़ी और वो मोटरसाइकिल। अब देखते हैं यार क्या बनता है, वही हम पता लगवा रहे हैं यार, बहुत परेशानी भी पड़ी है, गाड़ी चोरी हो गई है। पर यार ये तो चलो है कि यार पुलिस वालों ने ना हमें उसके वो पैसे दे दिए हैं गाड़ी के, जो मतलब चोरी हुई थी ना हमारी गाड़ी
उसकी जो भरपाई थी वो कर दी है पुलिस वालों ने यार। उन्होंने हाफ पेमेंट तो कर दी थी लेकिन यार फिर भी नुकसान तो हुआ है ना यार। अब देखो 8.5 लाख की गाड़ी हमें 8.5 लाख की हमने गाड़ी ली थी, अब उसके हमें देखो अब 4 लाख रुपए तकरीबन मिले हैं, 4.25 लाख। और देखो 1,20,000 का मोटरसाइकिल लिया और उसका भी 60,000 रुपये मिले थे। अब देखो नुकसान तो हुआ है ना, इस वजह से यार मैं और शीदा भाई ना वो गैंग वालों से ना बदला जाएंगे, तो उनसे हम पैसे भी वो पूरे पूरे पैसे निकलवाएंगे। तो चलो हमारे पास वो दूसरे पैसे भी हो जाएंगे हाफ वाले और गाड़ी के पूरे पैसे भी आ जाएंगे, मतलब कि हमारे पास एक्स्ट्रा और आ जाएंगे पैसे, तो उसमें हमारा फ़ायदा होगा। तो मैं और शीदा भाई ना जाके उनसे लड़ेंगे जी, जितने भी गैंग वाले हैं। अबे भाई की तरफ घुस गया मैं। चलो यार हम लोग दही ले आते हैं यहाँ से। चलो यार, तो गाइस यार हम लोगों ने दही भी ले लिया, अब हम लोग चलते हैं घर पे जाके यार जलते देते हैं उनको। यार जल्दी जाओ। अबे भाई ये क्या सीन है, अबे भाई लगता है ये कुछ चोर है, ये डाकू लग रहे हैं मुझे तो यार। अब मैं क्या करूँ, अबे भाई वो भागो भागो वो भाई। अबे यार ये कर क्या रही हैं यार, किसी के ऊपर ना वो पिस्तौलें आगे उनके सामने की हुई हैं, ये चोर है मेरे ख्याल से। अबे यार ये वो चोर तो नहीं जिन्होंने हमारी वैगन आर और हमारी 125 चोरी की थी। अबे यार अब क्या करें। अबे भाई वो गाड़ी लेके जा रहा है, उसको मुझे ना फॉलो करना पड़ेगा, फिर पता चल जाएगा यार वो कहाँ लेके जा रहा है। अबे भाई वो भाग ना जाए, वो जा रहा है, वो जा रहा है गाड़ी लेके, बड़ी स्पीड से निकला भाई वो। अबे भाई ओ भाई गाड़ी लग गई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आराम से आराम से। वो जा रहा सारा निकल रहा है बड़ी तेजी से, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा। अबे भाई इसको पता नहीं चलेगा मैं फॉलो कर रहा हूँ, आराम से आराम से आराम से भाई उसको पता ना चल जाए। अबे यार ये गाड़ी ने ये भाई बस इससे मुझे वैगन और 125 मिल जाए, मैं शीदा भाई को बताऊंगा कि यार इन्होंने चोरी की थी। अब देखते हैं ये कहाँ पर जाते हैं, इसको मैं फॉलो करता हूँ, फिर मुझे लोकेशन का पता चलेगा कि यार ये कहाँ पर लेके जाते हैं ये गाड़ियाँ चोरी कर करके। अबे भाई ये वही लोग हैं ना, हाँ ये वही हैं जिन्होंने चोरी की थी गाड़ी। अबे भाई लेके कहाँ जा रहे हैं, अबे भाई वो ले अंदर ले गया गाड़ी। ओह लगे चोर ही हैं भाई, कंफर्म चोर। चुप करके भाई निकलो यहाँ पता ना चल जाए। अबे भाई यहाँ पे गाड़ी साइड में खड़ी कर देता हूँ, फिर बाद में इसको यहाँ पे देखता हूँ क्या सीन है। यार गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ ना, मेरी गाड़ी को पापा मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, पहले अपनी गाड़ी देखता हूँ यार। अबे यार ये हल्का लग गया यार यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं गाड़ी तो दोबारा आ जाएगी, वैगनर को तो पकड़ें। चलो यार देखता हूँ यार क्या बातचीत हो रही है इनके दरमियान। अबे भाई ये दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं, इनकी बातें में सुनते पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। उस्ताद जी एक बात बताऊं? हाँ क्या हुआ? जब हम वेट लेके आ रहे थे ना तो ना एक रिवो वाला हमें फॉलो कर रहा था। अबे सालों की और भरना करा देना। नहीं नहीं उस्ताद हमने इसको पता नहीं लगने दिया। अच्छा हाँ हमें वैसे भी वो यार सिटीजन लग रहा था, जब हम लोग अंदर इंटरव्यू हुए ना तो फिर वो सामने सीधा चला गया था। अच्छा यार किसी को पता ना लगे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं उस्ताद टेंशन ना लें उस्ताद जी, वो कितने की बिकी थी एक 125 और वैगनर जो हमने पिछले हफ्ते चोरी की थी? अबे यार वो हमने तकरीबन 8 लाख में दोनों को ब्लैक में भेज दिया था। हाँ उस्ताद सही है, जबरदस्त। उसका कमीशन कब मिलेगा? अबे साले तूने चोरी की थी वो। अबे यार उस्ताद फिर भी निकल, मिठाई खिला दो यार। नहीं नहीं दफा हो यहाँ से, मैं नहीं कुछ खिलाऊंगा, तूने चोरी की हुई तो फिर बता। यार उस्ताद एक वीड तो चोरी करके लेके आया, उसका तो कमीशन दोगे ना? हाँ उसका दे दूंगा। अबे यार इन्होंने ये हमारी गाड़ी चोरी की है यार, मैं घर जाके ना वो शीदा भाई को बताता हूँ यार, यही है जिन्होंने हमारी गाड़ी चोरी की है। अबे यार अब मैं क्या करूँ, अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। अबे यार चलो शुक्र है यार पता लग गया कि इन्होंने चोरी की है, मैं शीदा भाई को बताता हूँ जाके, फिर बाद में हम लोग ना फिर पूरी फौज बना के ना लोगों को इकट्ठा करके जितने भी लड़ने वाले होंगे फिर हम यहाँ पर अटैक करेंगे। चलो शुक्र है। अबे यार सारी, अबे यार दूसरी सीट पे सारा वो दही गिर गया यार, अब दोबारा नया लेना पड़ेगा। अब
बस इनका मुझे पता चल गया, अब मैं यहाँ पे रेड मारूंगा, देखना यहाँ पे हमला करूंगा पूरी फौज लेके। चीदा भाई तो ऐसे ही इनको दफना के आएंगे ना, बहुत खतरनाक आदमी चीदा भाई। अबे यार चलो शुक्र है हो गया, सेट सीन हो गया, चलो आसानी होगी ढूंढने में। अब हम लोग आराम से इनको पकड़ लेंगे तो फिर हम यहाँ पे फिर अटैक करेंगे यार। इस बार हम खुद चोरों को पकड़ेंगे। यार उसने तो मेरी वैगन आर और साथ में मंटू भाई भेज दी थी। चलो उससे मैं पैसे निकलवाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं पैसे जरूर निकलवाऊंगा, पूरे पूरे पैसे निकलवाऊंगा अपने वैगन आर के 8.5 लाख रुपए और दूसरी जो मेरी 1.5 थी ना उसके मैं तकरीबन 1,20,000 रुपये निकलवाऊंगा। हाँ अब यार चलो शुक्र है मिल गई। तो गाइस यार रस्ते से ना हम लोग दही लेते जाते हैं फिर घर जाके देते हैं। तो गाइस यार रस्ते से दही लेते हैं फिर बाद में देते हैं घर जाके। और शीजा भाई ये सारा कुछ ये बताऊंगा मैं कि यार क्या सीन हुआ था। रुको यार मैं दही ले आऊं इनसे पहले। चलो यार आसानी से हम लोग पकड़ पाएंगे चोरों को। तो गाइस यार हम लोग ने दही ले लिया है और अब जाते हैं घर जाके फिर शीजा भाई को सारा कुछ बताता हूँ, दही भी देता हूँ घर। चलो यार चलें अब। शीजा भाई तो बहुत खुश होंगे यार मेरी ये बात सुन के कि यार मैंने चोरों का पता लगा लिया है। शीजा भाई और पापा भी बहुत खुश होंगे। वैसे पापा ना मुझे और शीजा भाई को रोक रहे थे, कह रहे थे कि ना जाके फाइट करो, लेकिन मैं और शीजा भाई ना अब फाइट करेंगे इन चोरों के साथ और अपनी ना गाड़ी छुड़वा के लेके आएंगे इंशाल्लाह। शीजा भाई कह रहे थे कि मैं ना बंदे मंगवाऊंगा फिर हम सारे जाएंगे, अपना मेरा जो मोती है ना वो भी फिर जाएगा, वो फिर हमारे फाइट में काम आएगा ना इसलिए। बस यार दुआ करो यार पैसे मिल जाए हमें गाड़ियों के और हम लोग सही उनको फिर फेंटा लगाएं चोरों का, बस यार दुआ करना। और यार गाइस कोई आइडिया देना मुझे कमेंट सेशन में कि यार इनसे कैसे हम लोग पैसे निकलवाएं। चलो चलो अब घर चलते हैं। चलो यार गाड़ी को तो मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ फिर बताता हूँ मैं शीदा भाई को। चलो यार अबे चलते हैं। शीदा भाई वो यहाँ पे क्यों है? शीदा भाई आपको एक अच्छी खबर सुनाऊँ? हाँ क्यों है दस्ते सही। यार शीदा भाई मैंने चोरों का पता लगा लिया जिन्होंने गाड़ी चोरी की थी। ना कर शहजादिया। हाँ वाकई में और पता लग गया होता। हाँ पता लग गया यार। वो मैं ना पता क्या हुआ था, मैं दही लेने गया ना, दही मार्केट से बाहर निकला ना, एक दो ना चोर थे जिन्होंने एक आदमी के ऊपर ना पिस्तौल रखी हुई थी और कह रहे थे कि गाड़ी की चाबी दे। वो उसकी गाड़ी की चाबी लेके ना फिर वो चले गए। मैं उनको फॉलो करता ना उनके अड्डे तक पहुँच गया, मुझे ना अड्डे का ही पता चल गया जहाँ पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी। वही क्या ही बात यार, तेने फिर कह पता लग गया कि यार इन्होंने साड़ी वैगन आर से मोटर फैक्ट्री चोरी की थी। यार वो ना आपस में ना डिस्कस कर रहे थे कि यार वो उन्होंने ना वैगन आर मंटू भाई भेज दी है इस बारे में। ओहो यार वो गड्डी तो मंटू भाई भेज दी। हाँ यार वही तो टेंशन है। चलो कोई नहीं हम पैसे निकलवा लेंगे। हाँ ये तो है फिर। हाँ पैसे निकलवाएंगे फिर बाद में मैं ना अपने लिए अच्छी गाड़ी लूंगा। ओ जाए जा मेरे कमीशन दे। यार आप इतने अमीर तो हैं, आपके पास 70 लाख रुपए भी है। ओ छाड़े इनू मैं इन्नी मेहनत करके तेरे पैसे कढ़ावा ते तू कहंदा वा के तू कहंदा है कि कमीशन ना लो। वाह जी वाह। अच्छा अच्छा दे दूंगा। ओ छड़ो यार केड़ा रोला जे पा रहे हो। नहीं नहीं पप्पू भाई आपको क्या पता यार पैसे निकलवाने हर सूरत में। हाँ मैं बंदियां नु कॉल कर दिया। ठीक है बंदे छते तैयार करके कल चलते हैं। मैं तो कहंदा हाँ कल चलते हैं यार। ठीक है कल ही चलेंगे सही है। हाँ ठीक है कल चलते हैं जाके फिर हमला करते हैं। हाँ ठीक है। चलो यार अब ये यार फिर एक डोगी भी तैयार कर लो फाइट के लिए। ओए कुत्ता तैयार ही है, टेंशन ना रहे। सारे तैयार है, तू भी तैयार है ना? मैं तो भाई इसके मुंह पे मुक्के मारूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार उसने मेरी गाड़ी चोरी की थी। हाँ शेर बंड शेर जाके चंडा मुंह ते मारनी है ने। हाँ ठीक है। ओए ना कोई गन्ना नहीं होनी है। ओए गन्ना दी टेंशन ना ले, तेरा शीदा भाई आप वेपन हैगा वा। हाँ ये बात तो है, शीदा भाई खुद एक बड़े वेपन है। हाँ ये तो मैं गल कर रहा वा। हाँ ये तो बात है ना। चलो यार मैं चलता हूँ दही देता हूँ अंदर। चल ठीक है। तो चलो यार गाय जाके मैं फिर मेट को दही देता हूँ और फिर मैं पापा को जाके सारा बताता हूँ सीन। अबे यार ये मेट कहाँ गई? चलो यार टेबल पे रख देता हूँ मैं। चलो गाय यार मैंने दही रख दिया टेबल पे, अब मैं
ऊपर जाके पापा को बताता हूँ सारा सीन। चलो यार पापा। हाँ हाँ क्या हुआ? पापा जी हमें ना वो चोरों का पता लग गया जिन्होंने हमारी वैगन आर और साथ में वो 125 चोरी की थी। अच्छा वाकई? हाँ अब मैं और शिदा भाई जाकर ना छुड़वाएंगे। अबे यार ना करो, कुछ खा लो, हमें पैसे मिल तो गए यार, पुलिस वाले ने दे दिए थे। यार पापा जी वो हाफ पेमेंट थी। बस यार शुक्र अदा करो। नहीं यार पापा मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी छुड़वानी है छुड़वानी है, मुझे नहीं पता, मैं और शिदा भाई कल जाएंगे। अच्छा यार मर्जी करो। हाँ ठीक है। तो गाइस यार यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं, और अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार कोई अच्छा सा आइडिया देना यार कि कैसे पैसे निकलवाएं हम चोरों से, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करो, लव दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी मिल जाएगा, जाके इंस्टा का फॉलो करो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो। इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चलो यार टेंशन खत्म होगी अब। समझ ना पाए मुश्किल आते ने पौर रैपर ते रैपर डेली गाने कटे किसी में जोर ना करके दिखाऊं मैं चंडे करवाऊं मैं गल फरमाऊं मैं खिंच लवा थले चढ़े मुंडे हमाऊं मैं मुझ वखरे ताऊं मैं बिके कोड़ी के भाव में विला नहीं हो करा मैं ते करके वखाऊं मैं जिन्होंने सुना जे गाना सुनने के बाद उन्होंने समझ नहीं आना चुलबानी बिच मारे जाओगे लानत है तेरी पिदाइश पे मौत में दबंगा तेरी फरमाइश पे हार में जावा मैं पीछे रह जावा मैं किसी से लेके मैं खावा एंदी गुंजाइश नहीं रब की जा मेरी रोटी चला रही फ्लो मेरा